हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईपीएल 2024 के ऑरेंज कैप और पर्पल कैप लीडर बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड के बारे में। तो नंबर 5 पर जो खिलाड़ी आता है उसका नाम है केएल राहुल ने 11 मैच खेले और 39 के औसत से 431 रन बनाए। नंबर 4 पर जो खिलाड़ी आता है उसका नाम है ट्रेविस हेड ने 10 मैच खेले और 44 के औसत से 444 रन बनाए। नंबर 3 पर जो खिलाड़ी आता है उसका नाम है सुनील नारायण ने 11 मैच खेले और 41 के औसत से 461 रन बनाए। नंबर 2 पर जो खिलाड़ी आता है उसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़ ने 11 मैच खेले और 60 के औसत से 541 रन बनाए। नंबर 1 पर जो खिलाड़ी आता है उसका नाम है विराट कोहली ने 11 मैच खेले और 67 के औसत से 542 रन बनाए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम लिख देना। अब बात करते हैं हम पर्पल कैप लीडर बोर्ड के बारे में। तो नंबर 5 पर जो खिलाड़ी आता है उसका नाम है टी नटराजन ने 9 मैच खेले और 9 की कोने में से 15 विकेट लिए। नंबर 4 पर जो खिलाड़ी आता है उसका नाम है अर्षदीप सिंह ने 11 मैच खेले और 10 की कोने में से 15 विकेट लिए। नंबर 3 पर जो खिलाड़ी आता है उसका नाम है वरुण चक्रवर्ती ने 11 मैच खेले और 8 की कोने में से 16 विकेट लिए। नंबर 2 पर जो खिलाड़ी आता है उसका नाम है हर्षल पटेल ने 11 मैच खेले और 9 की कोनों में से 17 विकेट लिए। नंबर 1 पर जो खिलाड़ी आता है उसका नाम है जसप्रीत बुमराह ने 12 मैच खेले और 6 की कोनों में से 18 विकेट लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।